कोरोना महामारी के इस संकट के घड़ी में भी लोगों से कैसे पैसे वसूले, ये हाल ही में सामने आ रही घटनाओं से यह पता चला है। जैसे कि अमरावती शहर में एक निजी रोग विज्ञानी द्वारा एक बीमार धारक को एक चिकित्सा कोरोना पॉजिटिव प्रमाण पत्र जारी किया गया था, लेकिन बीमा पॉलिसी का लाभ लेने वालों को कोरोना था ही नहीं। फिर जो राज्य की उपराजधानी, वो कैसे इस मामले में पीछे होगी? ऐसा ही एक मामला शहर में सामने आया है। पैथोलॉजी द्वारा ज्यादा पैसों की मांग कर विदेश जाने वाले यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव दी जाती है। ऐसे पैथोलॉजी पर कार्रवाई की मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा की गई है। पिछले साल कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया में लॉकडाउन किया गया। इस लॉकडाउन के चलते कई लोग विदेशों से अपने अपने देश वापस लौटे। जैसे फिर अनलॉक हुआ, धीरे धीरे अपने जॉब पर वापस जाने लगे। इन्हीं लोगों को विदेश जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहले कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी पड़ती है। अगर रिपोर्ट नेगेटिव हो तो ही उन्हें जाने की अनुमति दी जाती है। ऐसे में अगर 48 घंटे पहले भी रिपोर्ट चाहिए तो निजी लैब द्वारा 10,000 रुपए लेकर ऐसी रिपोर्ट आजकल दी जा रही है। ऐसा ही एक मामला शहर के दो निजी पैथोलॉजी लैब में सामने आया है, जहां बोगस कोरोना रिपोर्ट दी गई है। 11 मार्च को शहर के व्यक्ति जिन्हें विदेश जाना था, उन्होंने रामदासपेट स्थित बायोपैथ लैब में अपने सैंपल दिए थे, लेकिन उन्हें दुबई जाना था तो वह व्यक्ति उसी दिन हैदराबाद निकल गए और दूसरे दिन उन्हें किसी भी तरह के लक्षण न होते हुए पॉजिटिव रिपोर्ट मिली, जिससे व्यक्ति और परिवार वाले घबरा गए। तभी उसी लैब से एक कर्मचारी का फोन आया और 10,000 रुपए देने पर नेगेटिव रिपोर्ट दी जाएगी, ऐसा बोला गया। दूसरे ही दिन धनतोल स्थित मेट्रो लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा उन्हें कोरोना नेगेटिव का रिपोर्ट दिया गया और वही व्यक्ति की दुबई जाने के बाद कोरोना टेस्ट की गई, जो रिपोर्ट नेगेटिव आई। यह विशेष। इसी तरह किसी भी तरह का संसर्ग न होते हुए भी पैसों के खातिर झूठी रिपोर्ट निजी पैथोलॉजी लैब द्वारा दी जाती है, ये गैर कानूनी और गलत है। राष्ट्रवादीकडे उत्तर हिंदी मध्ये बोलू जी, मैं श्रीकांत शिवणकर, प्रवक्ता राष्ट्रवादी। आज यहाँ पत्रकार परिषद में हम लोगों ने कुछ खुलासे किए हैं। कुछ दिनों पहले हम लोगों को एक शिकायत मिली, हमारे उत्तर नागपुर के विभागीय अध्यक्ष विशाल जी खांडेकर, इन्हें एक तकरार शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें ये कहा गया कि उनसे पैसे लेकर उनकी रिपोर्ट निगेटिव दी गई है। हालांकि वो कभी पॉजिटिव थे ही नहीं, लेकिन उनको पहले पॉजिटिव बताकर उनसे पैसे उठे गए। इस संदर्भ में जब उन्होंने सारी चीज़ों का मुआयना किया तो ये पता चला कि जो व्यक्ति थे वो 11 तारीख को उन्हें दुबई जाने के लिए उन्होंने 11 तारीख को बायोपैथ से अपना सैंपल देकर कोरोना के लिए टेस्ट की। 11 तारीख को टेस्ट के सैंपल्स देने के बाद उन्होंने उनसे बात की और उनको बायोपैथ से बताया गया कि डरने की कोई बात नहीं, वो निगेटिव हैं। वो बिहार पर उनकी बातों में आकर वो उसी दिन हैदराबाद निकल गए, क्योंकि उन्हें 12 तारीख को दुबई के लिए फ़्लाइट पकड़नी थी। अब हैदराबाद जाने के बाद में जब वो हैदराबाद पहुँचे तो बायोपैथ के तरफ से किसी एम्प्लॉय का फ़ोन आया कि उन्हें उनकी जो रिपोर्ट्स, उनकी जो टेस्ट हुए वो पॉजिटिव है। ये सुनते ही वो घबरा गए, घबराए उनके लोग, यहाँ जो लोग थे, जो उनके पेरेंट्स थे, वो भी घबरा गए। उन्होंने भी अपनी जांच शुरू कर दी, इतने पैनिक हो गए कि ऐसे में कुछ भी हो सकता था। ये समय में उन्होंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि सर कुछ क्या है कि ऐसा, मेरा कल तो आप बोल रहे थे कि रिपोर्ट निगेटिव थी, आज कैसे क्या पॉजिटिव हुई? उन्होंने बोला कि नहीं, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट करना है तो मैं आपको नेगेटिव रिपोर्ट दिलवा सकता हूँ। लोगों को झूठी रिपोर्ट देकर पैसे ऐंठने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता व उपाध्यक्ष श्रीकांत शिवणकर द्वारा की गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।